आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किन टैग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्किन टैग्स यानी कि मसे। अगर आपकी स्किन पर मसे हो जाते हैं तो बहुत ही डरावने भी लगते हैं और साथ साथ बहुत भद्दे लगते हैं, गंदे लगते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी तैयार करके दिखाऊंगी जो बहुत ही नेचुरल है, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, और आप घर पर ही एक इजी से तरीके से अपने स्किन टैग्स को, अपने स्किन से मसों को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे हमने इस रेमेडी को तैयार करना है, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे अपने स्किन टैग्स पर अप्लाई करना है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए मैं जो इंग्रेडिएंट मेन वाला ले रही हूँ वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके स्किन टैग्स को बहुत जल्दी रिमूव करती हैं। तो ये मैं यहाँ पर इतना ले रही हूँ। आपने अपने स्किन टैग्स के हिसाब से बेकिंग सोडा की क्वांटिटी बढ़ानी है। तो अगर आपके एक या दो स्किन टैग्स हैं, मसे हैं, तो उसके लिए इतना बेकिंग सोडा जो है सफिशियंट है। नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाइस, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का तेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन टैग से छुटकारा दिलाने के लिए। तो ये मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी कॉलगेट को। कॉलगेट मैं ले रही हूँ, यहाँ पर आप कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हो दोस्तों अपनी पसंद का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉलगेट को ऐड कर रही हूँ। बस इतना ही लेना है आपने, और इतना लेने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। ये अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे अपने स्किन टैग्स पर अप्लाई करना है और कब करना है। गाइज, अब मैं आपको बता देती हूँ कि दोस्तों कि कैसे आपने इन स्किन टैग्स को रिमूव करना है, यानी कि इस पेस्ट को आप अप्लाई करोगे सही तरीके से तो आप अपने स्किन टैग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्किन टैग हो रहा है, यानी कि मस्सा है ये। और अब मैं आपको इसके ऊपर ये एप्लीकेशन प्रोसीजर बता रही हूँ कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, कैसे मसाज करनी है। इस तरह से आपने फिंगर पर ले लेना है इस पेस्ट को, और मस्से पर लगाकर इस तरह से आपने मसाज करनी है। बहुत जेंटली मसाज करनी है, जहां पर आपको स्किन टैग है अच्छे से मसाज करनी है, इस तरीके से कि ये सारा जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, और आपने क्या करना है दोस्तों, इसको अप्लाई करके पूरी रात ऐसे ही छोड़ देना है, और सुबह उठकर आपने गुनगुने पानी से इसको वॉश करना है। रेगुलर कीजिए, यानी कि पूरे का पूरा हफ्ता लगातार इसको कीजिए, आपके स्किन टैग्स जो हैं बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आप खुद नोट करोगे कि कितने ज्यादा मध्यम पड़ गए हैं, और एकदम से एक दिन ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इसे जरूर जरूर ट्राई करके देखिए। जिस भी इंसान की स्किन पर स्किन टैग्स हैं उसे ये सजेशन दीजिए, उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए गाइस फटाफट से, वो भी इस रेमेडी को फॉलो करे और अपनी स्किन टैग्स से, मस्सों से हमेशा के लिए छुटकारा पा ले। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, और कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी वीडियो पसंद आने पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय।